विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। वैसे भी दशानंद रावण ने लंका की अपनी यात्रा का आरंभ विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लिए बिना ही किया, इसीलिए उसके इस कार्य में विघ्न तो अवश्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव का ये आत्मलिंग तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक भारी है। उड़ान भरो पुष्पक विमान, उड़ान भरो। मेरे पुष्पक विमान को क्या हो गया है? ये उड़ान क्यों नहीं भर रहा? उड़ान भरो पुष्पक विमान। इतनी शक्ति नहीं है इस पुष्पक विमान में कि प्रभु के आत्मलिंग के साथ उड़ान भर सके, किंतु दशानन रावण हूं मैं तो अपने पांवों पर चलकर ही संध्या होने से पूर्व प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सर्वसमर्थ हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव पुत्र, किंतु स्मरण रहे आज तुम्हारी युक्ति का सामना मात्र दशानंद से ही नहीं अपितु तुम्हारे पिता के प्रति भक्ति से भी। तुम्हें सृष्टि को भी बचाना है तो अपने पिता के दिए वचन का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी स्थिति में तुमसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे माता, हे भूमि देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम माता। माता, उस दुष्ट असुर राक्षस राज रावण को रोकने के लिए मुझे उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करनी होंगी माँ, किंतु उसके लिए मैं धरती को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। तो क्यों ना आप ही उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर दें, जिससे वो प्रभु महादेव को उनके आत्मलिंग स्वरूप में अपने साथ लंका ले जाने में असमर्थ हो जाए। माता, आप प्रथम पूज्य है श्री गणेश जी, आपके तो किसी भी कार्य में सहायक बनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके आदेश अनुसार इस असुर के मार्ग में अनेकों विघ्न उत्पन्न करूंगी। हे दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता गणेश, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु आरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे मार्ग में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? मेरे समक्ष आ। कितना अच्छा होता
यदि उनके समक्ष ऊंची प्राचीर समान आकृति उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती। बड़ी कठिनाइयों से अपने प्रभु महादेव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनके आत्मलिंग स्वरूप को लंका ले जा रहा हूं मैं, तो अब उन्हें अपने वचन से मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर इन्हें रोकना सरल नहीं होगा, हमें तो कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न करना होगा जिससे ये एक पग भी आगे ना बढ़ सके। मैं भी इस मिट्टी के फसाव में धंसता जा रहा हूँ, मुझे ही अपने बचाव का कोई उपाय करना होगा। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम जो भी हो आज मुझे नहीं रोक सकते, मेरे प्रभु का आत्मलिंग मेरे पास है जो मैं लंका ले जाके ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय। इन दुष्ट की भक्ति के पीछे तो इनका अनुचित उद्देश्य ही है, किंतु फिर भी प्रभु महादेव इनके हाथों में ही स्थित है। रुक जाइए माता, उनके मार्ग में और बाधाएं मत उत्पन्न कीजिए। वो तो प्रभु के आत्मलिंग स्वरूप को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए हम उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न करें उन्हें रोकने में तो हम असमर्थ ही रहेंगे ना माता। माता, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से कार्य लेना होगा, इसलिए अब मैं स्वयं जाकर उन दशानन रावण को रोकूंगा। इस सर्वशक्तिशाली रावण को कैसे रोकेंगे गणेश जी? ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहां तो कोई भी नहीं, फिर ये ध्वनि कहां से आ रही है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यात्रा लंबी है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करे। स्वच्छ जल है यहां और मुझे प्यास भी लगी है। किंतु अभी भूख प्यास कुछ नहीं, सर्वप्रथम मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग की स्थापना सुनिश्चित करना होगा, फिर ही रुकूंगा अथवा विश्राम करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई शत्रु है मेरे पीछे, अवश्य वही है जो मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं दशानन रावण? तो तुम थे जो मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इस दुष्ट असुर राज रावण ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र पर प्रहार करने हेतु उठा लिया। गणेश जी चंद्रहास का सम्मान अवश्य करेंगे, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे वो। किंतु फिर वो भला इस दुष्ट असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे मार्ग की सभी बाधाएं तुमने और उन देवताओं ने उत्पन्न किए होंगे, और अब मेरे प्रभु के आत्मलिंग के लिए आए हो ना। सर्वथा उचित समझा आपने, पिताश्री के आत्मलिंग के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। साधारण शिव नंदन, यदि आपने मेरे प्रभु की आत्मलिंग की ओर एक पद भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे आराध्य। शिव नंदन, अब यहां शांति स्थापित रहेगी अथवा युद्ध होगा, उसके उत्तरदायित्व आप होंगे। हे परम शिव भक्त लंकेश, आप अचानक तनावग्रस्त होकर इतनी आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए? मैंने ये अवश्य कहा था कि मैं यहाँ प्रभु के आत्मलिंग के लिए ही आया हूँ, किंतु मात्र उनके दर्शन के लिए, उन्हें आपसे प्राप्त कर यहाँ से कहीं ले जाने के लिए नहीं दशानन। वैसे भी जब स्वयं पिताश्री प्रभु महादेव ने आपको अपना आत्मलिंग प्रदान किया है तो फिर उन्हें आपसे कौन ले सकता है भला? तो फिर आपने मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं और संकट क्यों उत्पन्न किए? नहीं नहीं लंकेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो आपके मार्ग से एक तिनका भी नहीं हटाया है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि मैं आपसे प्रभु के आत्मलिंग को छीनने का प्रयास करने आता तो ऐसे निशस्त्र होकर तो कदापि नहीं आता ना। फिर तो मेरे पास अवश्य ही आपके समान हाथों में कोई शक्तिशाली अस्त्र होता ना। चतुर 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 ज्ञानी। और आप जैसे महाज्ञानी की दृष्टि से ये सत्य भला कैसे छिपा रह सकता है? ये तो आप ज्ञात कर ही चुके होंगे। हाँ हाँ अवश्य, मेरी खुशाग्र बुद्धि सब ज्ञात कर लेती है। आप यहाँ प्रभु के आत्मलिंग की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, इसका आभास होते हुए भी मैं अपनी सावधानी का परिचय दे रहा था, क्योंकि ये तुच्छ देवता सदैव मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका भेषधर कोई देवता तो नहीं है मेरे समक्ष। राक्षस राज लंकेश, आप चारों वेदों और छह शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, 10 महाविद्वानों के समान बुद्धिमान हैं। आपके 10 ज्ञान से परिपूर्ण शीश हैं। आप तो महाज्ञानी हैं दशानन जी, फिर भी आपको मूर्ख बनाना सरल है। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी आप? कदापि नहीं, कदापि नहीं दशानन जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको मूर्ख बनाना कदापि सरल नहीं है। आप तो स्वयं परम ज्ञान सागर ब्रह्मदेव के पौत्र हैं, अर्थात आपके भीतर तो उन ब्रह्मदेव का अंश समाहित है जो त्रिदेवों में से एक है, जो अपने कार्य से कदापि नहीं भटक सकते, फिर भी आपको भटकाना सरल है? कदापि नहीं अलंकाधिपति, संगीत में आपसे निपुण तो कोई नहीं। आप जिस प्रकार अपनी वीणा का वादन करते हैं उसमें कोई भी आपकी धुन में रम जाए।
किंतु फिर भी आपको अपनी धुन पर नृत्य कराना सरल है? कदापि नहीं। उचित कह रहा हूँ ना गणेश जी? आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ हाँ लंकेश, सर्वथा उचित कहा आपने। आपको आपकी धुन पर नृत्य कदापि नहीं, कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आप तो वो हैं जिनकी धुन का श्रवण कर संपूर्ण कैलाश थिरक उठा था। स्वयं प्रभु महादेव आपकी धुन पर गतिमान हो उठे थे। विनिर्गमत क्रमस पुरक कराल भाल अव्यवाढ़ धिमित धनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। आप तो वो हैं जिन्होंने शिव तांडव श्रोत की रचना की है, जिन्होंने कैलाश को ही अपने स्थान से अस्थिर कर दिया। आप जैसे महान कवि, महान योद्धा, महाज्ञानी, महाभक्त भला और कहां? इसलिए सत्य तो ये है कि मैं मात्र प्रभु के आत्मलिंग की नहीं, अपितु आपके दर्शन प्राप्त करने भी यहाँ आया था। हे परम शिव भक्त, हे शास्त्रों के परम ज्ञानी, परम विद्वान, सर्वगुण संपन्न है आप लंकेश। अगर आपने मेरे दर्शन कर लिए हूं तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है गंवाने के लिए। मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचना है, और आज मुझे लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग को यहां स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन के लंका पहुंचने के पूर्व ही कहीं मार्ग में ही आत्मलिंग को स्थापित करना होगा। भले ही इसके लिए मुझे इन राक्षस राज लंकेश के साथ साथ संपूर्ण मार्ग ही पार क्यों ना करना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परम शिव भक्त लंकेश, मेरा मन अभी भी आपके दर्शन से भरा नहीं। मैं तो अभी आपके व्यक्तित्व की पूर्ण आभा में कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उचित है, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए। वैसे भी किसी महाज्ञानी का साथ प्राप्त करने से कोई ना कोई उत्तम सीख मिल ही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो एकमात्र गणेश जी ही संभव कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक महाज्ञानी को भी अपने शब्दों में उलझा लिया। किंतु वरुण देव, गणेश जी राक्षस राज के साथ साथ चल रहे हैं, और यदि उसे उनके वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हो गया तो गणेश जी के ऊपर भी संकट छा सकता है, और दशानंद तो सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार रावण का वध तो किसी नर द्वारा ही निश्चित है, जो श्री विष्णु देव राम के मनुष्य के रूप में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गणेश जी ने मुझसे कोई छल करने का प्रयास किया तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि ये मेरे आराध्य के पुत्र हैं। इन पर घातक प्रहार करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुझे अब शीघ्र किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना होगा। ओम नमः शिवाय। जिससे ये आत्मलिंग को नीचे भूमि पर रख दें। ओम नमः शिवाय। और वो लंका नगरी पहुंचने के स्थान पर यही भारत भूमि में कहीं स्थित हो जाएं।
ये महादेव पुत्र तो अत्यंत चतुर है, मुझे छलने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शिवनंदन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ अनुचित कर रहा हूं क्या मैं? क्या है आपके मन में बताइए। लंकेश, क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है जैसे आप कुछ भूल रहे हैं? एक बार को तो सूर्य देव भी भोर में प्रकट होकर अपनी रोशनी देना भूल सकते हैं, किंतु मैं दशानन कुछ नहीं भूलता। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा था कि वो परम भक्त परम ज्ञानी असुर राज लंकेश, जो कभी कुछ नहीं भूलते हैं, वो भक्ति से संबंधित इतनी गूढ़ बात कैसे भूल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल दशानन से नहीं, आपसे हो रही है गणेश जी। उचित है फिर, यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, तो फिर मैं ही कुछ क्यों कहूँ आपसे और क्यों आपका समय व्यर्थ करूँ? वो तो मैं बस एक बार प्रभु के आत्मलिंग एवं आपके दर्शन करने की इच्छुक था, मेरी वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ फिर। हाँ, किंतु स्मरण रखिएगा लंकेश, भक्ति का संपूर्ण फल भक्ति के समस्त नियमों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा दिव्य से दिव्य मूर्ति पाषाण ही बनी रह जाती है, और यदि सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से किया गया हो तो फिर पाषाण आकृति भी प्रभु का रूप धारण कर लेती है। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं? ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, शिव पुत्र है, वो असत्य तो नहीं कहेंगे, तो संभव है कदाचित मैं ही कुछ भूल रहा हूं। शिवनंदन, गणेश जी रुकिए। गणेश जी रुकिए, गणेश जी रुकिए, प्रस्थान करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए, किंतु मुझे बताते तो जाइए कि मैं क्या भूल रहा हूं। आपने इतने विश्वास से कहा था, अवश्य कोई मैं बड़ी बात ही भूल रहा हूँ, बताइए ना मुझे। ओहो लंकेश, भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था आपसे। शिवनंदन, मेरी बात तो सुनिए गणेश जी, आप मुझे इस प्रकार निराश मत कीजिए, बताइए ना, अन्यथा मैं आपका इसी प्रकार पीछा करता रहूंगा, बताइए। भूल गए क्या? आपने ही तो इतने विश्वास से कहा था कि आप कुछ नहीं भूलते, तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या लाभ लंकेश? आप तो रहने ही दीजिए लंकेश, उचित है मैं प्रस्थान करता हूँ। ज्ञात नहीं गणेश जी के मन में क्या योजना है, किंतु जो भी है वो अत्यंत सुदृढ़ है। कृपया करके आप मुझे बता दीजिए पार्वती नंदन की मैं क्या भूल रहा हूँ। ओहो, यदि आप सत्य में ज्ञात करना ही चाहते हैं लंकेश, तो उचित है। सुनिए, जब भी अपने किसी आराध्य के श्री विग्रह को अथवा उनके चिन्ह उनके प्रतीक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उनकी लीला का गान अथवा उनकी कथा सुनाना आवश्यक होता है लंकेश। तो प्रभु शिव की कुछ गाथाएं तो आपको भी ज्ञात होंगी ना? आप भूल रहे हैं गणेश जी, मैं दशानन परम शिव भक्त हूँ, मुझे अपने प्रभु के समस्त 19 अवतारों की कथा ज्ञात है। ओह अच्छा, प्रभु की समस्त कथाएं ज्ञात है आपको लंकेश? हाँ, मैं प्रभु का परम भक्त ऐसे नहीं कहलाता हूँ। तो फिर जब भगवान के श्री विग्रह की झांकी का आयोजन करने वाले ऋषि मुनि भी उनकी कथा सुनाने जाते हैं, तो आप तो स्वयं प्रभु शिव जी के आत्मलिंग को लिए जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी कथा सुनाना कैसे भूल सकते हैं लंकेश? मैं ये कदापि नहीं बोला गणेश जी, मैं तो उस श्रोता को ढूंढ रहा था जिन्हें मैं शिव कथा सुना सकूं, किंतु अब वो मुझे मिल गए हैं जिन्हें वो मैं कथा सुना सकता हूँ। कौन मिल गया आपको लंकेश? किसे सुनाएंगे प्रभु की कथाएं आप? आप पार्वती नंदन, आप आ गए ना मेरे समक्ष, अब ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा।
अंततः मैं इनके साथ कुछ और समय रहने का उपाय तो ढूंढ सका। अब मार्ग के मध्य में उचित समय पर लंकेश को विवश कर दूंगा कि वो प्रभु के आत्मलिंग को भूमि पर रख दे और प्रभु महादेव सागर पार लंका ना जाकर यहीं भारत भूमि में स्थापित हो जाए। और पिताश्री के जिन 19 अवतारों का उल्लेख भैया ने किया था, मुझे उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु अभी तो ये मेरी यात्रा का प्रथम चरण ही है। अब मुझे अगले चरण पर पहुंचने का भी कोई उपाय सोचना होगा। तो अब मैं इसके भय को ही अपना शस्त्र बना लेता हूँ। किस सोच विचार में डूब गए आप शिव सूत गजानन? क्या प्रभु के 19 अवतारों की कथा सुनने के लिए तैयार है? दुर्भाग्यवश मैं इस कथा का श्रवण नहीं कर सकता लंकेश। क्यों गणेश जी, क्या आपको इन कथाओं के श्रवण में कोई भी रुचि नहीं? रुचि तो है सुरराज लंकेश, किंतु कथा का श्रवण करने पर कुछ दक्षिणा प्रदान करनी होती है और मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर आप स्वर्ण नगरी लंका नरेश हैं, आपको वैसे भी भला कोई क्या दे सकता है, इसलिए मेरा प्रस्थान करना ही उचित होगा। पार्वती नंदन, क्यों रुकिए तो? किंतु दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, उसका कोई मोल भाव नहीं होता। अगर आप मुझे मार्ग से कंकड़ भी दे देंगे तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। फिर तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ और वो आपके लिए लाभकारी भी होगा लंकेश। ये देखिए, जल है मेरे पास। मार्ग में जब कथा सुनाते सुनाते आपका कंठ सूखेगा तो यही पुनः उसे तर करेगा। मुझे वचन दीजिए दशानन, मैं जब भी आपको दक्षिणा स्वरूप कलश प्रदान करूं, आप उसमें से कुछ जल अवश्य ग्रहण करेंगे और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मेरा कलश ही जल से रिक्त ना हो जाए। इतने छोटे से कलश के जल से तो मेरा कंठ भी कहां तर होगा। इतनी छोटी मात्रा में जल का पान करने से भला मुझे क्या हानि होगी? कुछ नहीं। हे गंगा मैया, मेरी सहायता कीजिए। इस असुर राज को रोकने हेतु इनको बार बार जल पान करवाने की आवश्यकता है। मुझे आशीष दीजिए माता कि आपकी कृपा से इस कलश का जल तब तक समाप्त ना हो जब तक दशानन लघु शंका के लिए बाध्य ना हो जाए। मैं वचन देता हूं, कथा के मध्य जब भी आप मुझे दक्षिणा स्वरूप ये जल देंगे, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है गणेश जी ने एक अत्यंत उत्तम योजना गढ़ी है। जो भी है, मैं तो आशा करता हूं कि गणेश जी अपनी युक्ति से इस चतुर असुर राज रावण को परास्त करने में सफल हो जाएं। अब आप अविलंब शिव कथा आरंभ कीजिए लंकेश, और इस अवधि के लिए यदि आप चाहें तो मैं आत्मलिंग को अपने हाथों में ले सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, ये आत्मलिंग मेरे हाथ में ही उचित है। तो लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए ना। शिव कथा आरंभ करने के पूर्व अपने कंठ को तो तर कर लीजिए। ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा, सर्वप्रथम माता ने 10 महाविद्या रूप धारण कर धीरे धीरे संसार की रचना की। माता ने जीवन हेतु सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु जिस प्रकार शरीर में आत्मा का वास उसे सजीव करता है, एक भवन में जीवन की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से ग्रह बनता है, उसी प्रकार सृष्टि को जीवन योग्य मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर भोले ने बनाया।
मानव जीवन उद्धार के लिए प्रभु ने 19 अवतार लिए और उनके हर एक अवतार ने मानवता को जीने के लिए एक सिद्धांत दिया और इन 19 अवतारों से मानवता को 19 सिद्धांत प्राप्त हुए जिसका पालन कर मनुष्य इहम अर्थात यहाँ परम अर्थात यहाँ के बाद जब उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलने हेतु प्रस्थान हो चुका हो दोनों ही अवस्था में आनंद का अनुभव कर सकता है। और इस सब का आरंभ हुआ प्रभु के प्रथम अवतार पिपलाद से। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपलाद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा, किंतु सर्वप्रथम शनि देव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। प्रभु महादेव के लिए पिपलाद अवतार लेने के पीछे शनि देव की विशेष भूमिका रही है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि देव का जब दंड विधान एक अबोध बालक के लिए भी उसी प्रकार अत्यंत कठोर और सख्त बना रहा, तो फिर महादेव का प्रभु पिपलाद के रूप में अवतरित होना अनिवार्य हो। गणेश जी, मैं जो आपको महादेव के 19 अवतारों की कथा बताने जा रहा हूँ उनमें प्रथम नाम प्रभु पिपलाद का आता है। प्रभु पिपलाद? मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रभु ने अपने लीला अनुसार साधारण मनुष्य के बालक के रूप में जन्म लिया, किंतु दुख की बात तो ये थी कि उनके जन्म लेते ही उनकी माता सुवर्चा को उनका त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा। ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु को वन में वृक्ष के नीचे छोड़कर कैसे जा सकती है? इसके कारण थे शनिदेव। शनिदेव? वही शनिदेव जो नवग्रहों में से एक है? हाँ, वही कर्म फलदाता, कठोर वक्र दृष्टि है उनकी, वही है शनिदेव। और उन्हीं को ही नियंत्रित करने के लिए प्रभु महादेव को उनका पहला अवतार लेना पड़ा। दशानंद जी, सत्य तो ये है कि मेरे मन में भी शनि देव को लेकर अनेकों प्रश्न है। सर्वप्रथम तो आप मुझे ये बताइए कि देव अर्थात तो देवता होता है, फिर ऐसा क्या कारण है लंकेश कि शेष ग्रहणों को छोड़कर केवल इन्हीं एक ग्रह के नाम के बाद देव शब्द जुड़कर वे शनिदेव बन गए, जबकि वो तो मात्र 9 ग्रहों में से एक है। और ये भी कि मनुष्य हो अथवा देवता, सभी उनसे भयभीत क्यों रहते हैं और विशेष रूप से उनकी वक्र दृष्टि का भय सभी पर क्यों छाया रहता है? उनके प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं हो सकते? उन्हें कर्मदाता क्यों कहा जाता है? और मैंने तो ये भी सुना था कि स्वयं भगवान शिव को भी शनि देव से छिपने पर विवश होना पड़ा था। जब इतना प्रभावी और भयंकर है शनि देव की दृष्टि का प्रकोप,
फिर महादेव के अवतार ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया? आप चिंता ना कीजिए पार्वती नंदन, आपको आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न उनसे किया है जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य रखता है। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपला जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा। सर्वप्रथम शनि देव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। हाँ हाँ अवश्य लंकेश, मैं तो ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ, किंतु उसके पूर्व कुछ जल तो ग्रहण कर लीजिए। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। अच्छा है, आप बार बार जल का पान करेंगे तभी तो लघु शंका भी जाएंगे लंकेश, और मुझे उसी क्षण की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि आपको लघु शंका लगते ही आप ये आत्मलिंग मुझे थमाएंगे और मैं उसी क्षण पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को भूमि पर रख दूंगा। इसलिए तो ये आवश्यक है कि मैं आपको कथा के मध्य में इसी प्रकार बार बार जल पान कराता रहूं। अब कहिए ना कथा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, शनिदेव सूर्य पुत्र है और सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। अर्थात शनि देव के माता पिता सूर्यदेव एवं माता संज्ञा है? नहीं, देवी संज्ञा शनि देव की माता नहीं थी। तो फिर कौन है उनकी माता? वही तो मैं कहने जा रहा हूँ गणेश जी, मुझे एक बार कथा सुनाने तो दीजिए। हाँ अवश्य, आप कहिए ना। सूर्यदेव और देवी संज्ञा की तीन संतान थी। प्रथम संतान मनु, फिर यम, और उनकी तृतीय संतान देवी यमुना थी, जो कलांतर में जाके यमुना नदी में परिवर्तित हुई। फिर शनिदेव का जन्म कब हुआ और उनकी माता कौन थी? ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। थोड़ा और ग्रहण कीजिए। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। अब जब मैं कथा सुनाऊंगा आप कृपया करके उसमें बाधा मत डालिएगा। जी दशानन। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के बीच में अत्यधिक प्रेम था, किंतु सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, तो देवी संज्ञा उनके तेज की तीव्रता को सहने में असमर्थ होने लगी। प्रिय, प्रिय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरी पत्नी ही मुझसे अपना श्रृंगार छुपा रही है। नहीं स्वामी, मैं स्वयं को आपसे छुपाने का प्रयास नहीं कर रही थी, मुझसे तो बस आपका तेज सहन नहीं हो रहा है। अर्थात अब मैं अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगनी के लिए असहनीय हो गया हूं, तो क्या लाभ हमारे साथ निवास करने का? आप मुझे छोड़कर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं देवी। स्वामी, 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 मेरी किसी बात को अन्यथा ना ले। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। स्वामी, मेरे प्राणनाथ हैं आप, किंतु मैं क्या करूं? आपके तेज को सह पाना मेरे लिए असंभव हो रहा है। इसका तो एक ही उपाय है कि मैं घोर तप कर आपके तेज को सहने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं।
किंतु अभी मैं आपको छोड़ के गई तो आप इसका कोई अन्य अनर्थ ना निकाल लें और इससे हमारे मध्य में दूरी और ना बढ़ जाए। आपको और आपकी संतानों को ऐसे एकाकी छोड़कर मैं तो क्या, मेरी परछाई भी नहीं जाएगी। किंतु देवी, मैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हूँ और आप मेरी छाया हैं। मुझसे पृथक ना आपका कोई अस्तित्व था ना कोई पहचान, किंतु अब मैंने आपको अपनी प्रतिछाया से रचा है तो आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए आपका क्या आदेश है? मैं अपने स्वामी का तेज सह पाने में असमर्थ हूँ और स्वयं को उनके योग्य बनाने के लिए मैं तप करने जाना चाहती हूँ, किंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति का भान किसी को ना हो, स्वामी को भी नहीं। इसलिए मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ पर रहना होगा। आप मेरी छाया से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आप पर स्वामी के तेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा, समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें, यही मेरी आज्ञा है। मैं उनके साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकती हूँ जो किसी अन्य स्त्री के स्वामी हैं? मैं उनके साथ ऐसा कपट कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। ये कैसी विडंबना है, कैसी विचित्र दुविधा में डाल दिया माता संज्ञा ने माता छाया को। कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के पति के साथ कैसे दाम्पत्य जीवन बिता सकती है? क्योंकि वो ऐसा करने में विवश जो थी। आपका ये रूप रंग आकार सब मेरा दिया हुआ है, इसलिए आप मेरे आदेश को नकार नहीं सकती। मेरा ये तप करना अति आवश्यक है और इस अंतराल में आपका यहाँ रहकर मेरे परिवार की देखरेख करना अनिवार्य है। और जब मैं यहाँ लौटूं तो आपको मुझ में पुनः समाहित होना होगा और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए और किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप देवी संज्ञा नहीं, देवी छाया है। और वचन दीजिए कि आप मेरे स्वामी सूर्यदेव को सदा प्रसन्न रखेंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। कितनी दुखद बात है ये, माता छाया को माता संज्ञा के आदेश का पालन करना पड़ा। हाँ, क्योंकि देवी छाया के लिए ये इतना सरल नहीं था। किसी के आदेश पर उसके पति को अपना पति मान लेना, किंतु देवी छाया को यही असंभव कार्य संभव कर दिखाना था। रुकिए, मैं इस प्रकार विचलित होकर सूर्यदेव के समक्ष आई तो कदाचित वो ज्ञात कर लेंगे कि मैं देवी संज्ञा नहीं, किंतु मैं इन्हें सत्य का ज्ञात होने नहीं दे सकती।
ये वचन दिया है मैंने देवी संज्ञा को। पूर्व में आप पर क्रोधित होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कदाचित मैं अधिक आवेशित हो गया था। मैं तो आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मेरा तेज आपके लिए असहनीय हो जाता है। आरंभ में तो विवश होकर उन्होंने गृहिणी के समस्त अपने दायित्व निभाए, किंतु फिर उनके भीतर स्नेह एवं सेवा की भावना जागृत हुई और देवी छाया जैसे भूल ही गई थी कि ये उनका गृह एवं गृहस्थी नहीं। और शीघ्र ही वो समय भी आ गया जब उन्होंने सूर्य देव और अपनी संतान को जन्म दिया। तो क्या यही शनि देव थे? ये लीजिए, उत्तर देने के पूर्व जल ग्रहण कीजिए। मुझे ज्ञात है आपको बार बार टोकने से आप छल्ला रहे हैं लंकेश, किंतु युक्ति तो मेरी यही है कि जलपान करा करा कर मैं आपका उदर इतना भर दूं कि आप लघु शंका जाने के लिए विवश हो जाएं, क्योंकि नहीं जा पाएंगे लंकेश तब लंका जब उन्हें व्याकुल करेगी उनकी आई लघु शंका। चतुर गणेशा। नहीं, वह शनिदेव नहीं, मनु थे, जिनके जन्म के उपरांत देवी छाया ने अपनी गृहस्थी अर्थात चारों संतानों एवं सूर्य देव की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से व्यस्त कर लिया। तो क्या सूर्य देव को कभी उनके वास्तविक परिचय को लेकर कोई संदेह नहीं हुआ? उन्हें संदेह तो अवश्य हुआ था, किंतु दो स्त्रियों में समानता कितनी ही हो, पति अपनी पत्नी को ना पहचाने ऐसा संभव नहीं। किंतु आरंभ में जो सूर्य देव को प्रतीत हुआ कि देवी संज्ञा के भेद में उन्हें जो प्रतीत हो रहा था वो श्रृंगार की घटना के उपरांत देवी संज्ञा स्वयं में परिवर्तन ले आई, किंतु फिर भी उनका संक्षिप्त पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और देवी छाया ने स्वयं को पूर्ण रूप से सूर्य देव के परिवार के प्रति समर्पित कर दिया। तो वो उनकी दूसरी संतान शनि देव के साथ गर्भवती थी। तब कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूर्ण रूप से सब कुछ परिवर्तित हो गया। प्रिय, दर्पण पिघल गया, किंतु देवी संज्ञा पर मेरे तेज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये कैसे संभव? क्या रहस्य है इसके पीछे? आप तो मुझे अपलक देख रही हैं। आपका तेज इतना दिव्य और इतना मनोरम है कि मन करता है कि बिना पलक झपकाए बस आपको ही देखते रहें। अच्छा, तो आपको मेरे तेज से कोई समस्या नहीं है? कैसी समस्या प्रभु? एक समय था जब आप मुझे एक क्षण भी नहीं देख पाती, और आज आप अलग देख रही हैं। वो सत्य था या ये सत्य है? कभी कभी मुझे प्रतीत होता है जैसे तब मैं आपसे परिचित नहीं था, फिर प्रतीत होता है कि अब मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता।
अब हमारे संबंध में वो दृढ़ता है जो पूर्व में नहीं थी। हम दोनों, हमारा परिवार आनंदित है, किंतु फिर भी एक दीर्घ समय से मुझे किसी कमी का आभास हो रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी शेष रहने दी? क्या मैंने आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं किया? किंतु अनेकों बार आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी संज्ञा मेरे समक्ष होकर भी मेरे समीप नहीं। कभी कभी मुझे प्रतीत होता है कि मैं संज्ञा के साथ नहीं, उसकी छाया के साथ। आप शांत क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? मेरी पत्नी होकर भी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? आपका इस प्रकार मौन रहना मेरे मन में अनेकों संशय उत्पन्न कर रहा है कि आप मेरी पत्नी हैं भी या नहीं। मेरी आज्ञा का सदैव पालन करती है ना, तो फिर आज आपके मुख से एक भी शब्द उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? कैसे बताऊं आपको स्वामी, देवी संज्ञा को वचन जो दिया है मैंने, मैं वचनबद्ध हूं। पति का पत्नी से और पत्नी का पति से कुछ भी गुप्त रखना ग्रस्त जीवन की मर्यादा के विरुद्ध है, और आपका इस प्रकार मौन रहने का एक ही अर्थ है कि आप मुझसे कुछ गुप्त रख रही हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपके प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और सेवा में कोई कमी छोड़ी है? आपके नेत्रों और आपकी वाणी के भावों में भेद है देवी। वाणी कुछ और कह रही है और नेत्र कुछ और समझा रहे हैं। सत्य आप मुझे बताएंगी अथवा मैं स्वयं ज्ञात कर लूं, क्योंकि अब आपका मुझसे कुछ भी भेद रखना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है। स्वामी सुनिए तो, स्वामी माता छाया कितनी लाचार थी, वो सत्य को उजागर भी नहीं कर सकती और फिर उसे गुप्त भी नहीं रख सकती थी। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन दोनों के मध्य भेद बढ़ते गए और सूर्य देव ने अपनी सेवा से उन्हें वंचित कर दिया। जैसे जैसे सूर्य देव देवी छाया से दूर होने लगे, वैसे वैसे उनके गर्भ में पल रहे शिशु के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अर्थात वहाँ जो भी घटित हो रहा था, गर्भ के भीतर शिशु रूप में शनिदेव उस संपूर्ण घटनाक्रम के साक्षी थे। फिर क्या हुआ लंकेश जी? सूर्य देव के व्यवहार में आते परिवर्तन और उनकी पीड़ा में वृद्धि से देवी छाया को कष्ट होने लगा, और देवी छाया ने वो निर्णय लिया जो कदाचित उन्हें नहीं लेना चाहिए था। जब तक मुझे सत्य का ज्ञात नहीं होता तब तक आपको मैं अपनी सेवा का अवसर नहीं दूंगा। आज से मैं आपको अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त करता हूं। बस अब बहुत हुआ। जब स्वामी ही उससे प्रसन्न नहीं है तो मेरे यहां रुके रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वामी की इच्छा के बिना तो मैं वो कर्तव्य भी नहीं निभा सकती जो देवी संज्ञा ने मुझे सौंपे थे। यहाँ जो भी घटित हो रहा है के बारे में मुझे देवी संज्ञा को सूचित करना चाहिए।
तो क्या माता छाया का माता संज्ञा के पास जाने से स्थिति अनुकूल हो गई, या फिर उनके लिए स्थिति और भी अधिक विकट प्रतिकूल हो गई? देवी छाया ये भूल गई थी कि सूर्य देव की दृष्टि कभी भी किसी में भी पड़ सकती है। हे देवी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आपकी छाया होने के कारण मैं जानती हूँ कि आप देवी संज्ञा ही हैं। कृपया मुझे दर्शन देने की कृपा करें, मेरी इस उलझन को मिटाने में मेरी सहायता करें देवी। आपके दिए दायित्व को निभाने में मैं असमर्थ हूँ देवी, कृपया मेरी सहायता कीजिए देवी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देवी संज्ञा प्रिय, सूर्यदेव के आते ही देवी संज्ञा पुनः मुड़ गई, मुख मोड़ लिया अपने स्वामी से। अर्थात अब सूर्य देव को ज्ञात हो चुका है कि उनके तेज के समक्ष जो खड़ी रह सकती है वो केवल मैं हूँ, इसलिए अब वो मुझे ही स्वीकार करेंगे, देवी संज्ञा को नहीं। पुनः देवी संज्ञा को समक्ष पाकर सूर्य देव उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। स्वामी मेरे प्रति इतना कठोर क्यों हो गए? मुझ पर तनिक भी ध्यान नहीं है उनका। स्वामी के जीवन में मेरा कोई स्थान शेष नहीं? आप मुझसे इतनी दूर क्यों चली आईं? आपका मेरे निकट न होने का आभास मुझे अनेकों बार हुआ, क्योंकि मुझे ये प्रतीत होने लगा था कि जो मेरे साथ है वो सत्य नहीं, मात्र एक छलावा है। मैं मात्र एक छलावा हूँ स्वामी के लिए? किंतु स्वामी, आपको ये आभास कैसे हुआ कि आपके साथ जो है वो मैं नहीं? देवी छाया तो सर्वथा मेरी ही समान है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग है आप, मेरी जीवन संगनी है। आपके साथ से मुझे पूर्णता प्राप्त होती है, तो आपका मेरे साथ ना होने का आभास मुझे कैसे नहीं होता? और वैसे भी इस अवधि में जो मेरे साथ थी वो कभी भी आपके समान मुझे प्रतीत नहीं हुई। स्वामी ने मुझे पल भर में ही स्वयं के जीवन से विलग कर दिया। कैसे न ज्ञात होता मुझे कि आपके स्थान पर वो कोई और है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होती हैं तो मेरे भीतर स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है, और वो आपकी छाया वो तो उस स्नेह सागर की कुछ बूंदों के समान ही थी। तो
तो क्या स्वामी के लिए मेरे स्नेह का इतना ही मान है? आपका स्पर्श तो मुझे आनंदित कर देता है, किंतु देवी छाया के स्पर्श से मुझे तनिक भी आनंद का आभास नहीं होता था। स्वामी के लिए क्या इतना निरर्थक था मेरा स्पर्श? आपको अंक लगाकर मेरा तन मन शांत हो जाता है, किंतु देवी छाया को अंक लगाकर अधूरापन जैसे मेरे हृदय को चुभता था। मेरे साथ बिताए इतने वर्ष स्वामी को अधूरेपन का ही आभास होता रहा। जो सत्य उसका स्थान कोई मिथ्या प्रतिरूप कदापि नहीं ले सकता। देवी संज्ञा, आपके समक्ष आपकी छाया का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे। स्वामी के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, कैसी अभागिनी हूं मैं। इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए देवी संज्ञा, क्योंकि मुझे कोई और नहीं, केवल आप, आपका साथ चाहिए। स्वामी का प्रत्येक शब्द तो एक नुकीले बाण के समान मेरे हृदय को आहत कर रहा है। स्वामी, मेरे प्रति आपके अपार स्नेह का भान है मुझे, और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, किंतु आपका तीव्र तेज मुझे विचलित करता है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके साथ लौटने में असमर्थ हूँ। कदाचित अब स्वामी को ज्ञात होगा उनके जीवन में क्या महत्व है मेरा, कितना अपार प्रेम दिया है मैंने उन्हें, कैसे अटूट श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है मैंने, कैसे बिना कुछ कहे इतने वर्षों तक उनके तेज को भी सहा है। हाँ स्वामी, आपका अनंत तेज नहीं सहा जाता इस अभागिन से। अब क्या होगा स्वामी को, इनके कितना त्याग किया है मैंने उनके लिए। किया सूर्य देव ने, और अब जो हुआ वो देवी छाया के लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु ये दुर्भाग्य कारण बना उन शनि देव के जन्म और प्रभु पिपलाद के इस प्रसंग से जुड़ने का, जो अब शीघ्र ही सबके समक्ष आने वाला था। सूर्य देव और माता संज्ञा के मन में ये विचार तक नहीं आया कि माता छाया के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, फिर तो वो वही पीड़ा के घूंटों का पान करने पर विवश रह गई होंगी, क्योंकि सूर्यदेव ने तो अब तनिक भी माता छाया का सुध नहीं लिया होगा, अस्वीकार कर चुके होंगे उनके अस्तित्व को ही। किंतु फिर सूर्यदेव ने क्या किया लंकेश, जब माता संध्या ने उनके साथ चलने में असमर्थता जताई, क्या उन्होंने पुनः माता छाया को ही स्वीकार कर लिया? नहीं गणेश जी, अपितु उन्होंने तो वो कृत्य किया जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। छाया तो छाया ही है, उन पर प्रकाश का तेज का कोई प्रभाव कहां हो सकता है पर? इसलिए मेरा तेज भले ही उनके लिए सहनीय था, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस तेज को कम करने का उपाय शीघ्र ही निकाल लूंगा और शीघ्र आपके पास लौटूंगा। क्षण भर में मुझे भुला दिया। देवी संज्ञा, आपको तो सब ज्ञात है, आप भी तो नारी हैं, आप तो मेरे मन की वेदना को अवश्य समझेंगी। एक वो है जिनके लिए इतना सब किया, और दूसरे वो
जिनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोनों ऐसे मुंह फेर के चले गए जैसे जैसे इस छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्षों से उनके समर्पण, उनका प्रेम, उनकी सेवा क्षण भर में भुला दी गई और वो वहीं अकेली ही स्थित रह गई। और वहीं दूसरी ओर सूर्य देव अपनी पत्नी देवी संज्ञा के साथ पाने का इच्छुक थे, इसलिए वो अपने ससुर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। हे देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा अपार तेज क्षीण होकर मेरी पत्नी के लिए सहने योग्य हो जाए और मुझे उनका साथ पुनः प्राप्त हो। आप उचित समय पर आए हैं सूर्यदेव, क्योंकि आज ही मैंने एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया है, कदाचित ये आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। अगर आपकी यही इच्छा है, कदाचित ये अस्त्र इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इस प्रकार विश्वकर्मा जी उस नवीन अस्त्र से सूर्यदेव के तेज को काट कर कम करते चले गए और जो अस्त्र सूर्य के तेज से निर्मित हुए उन्हें देवताओं ने प्राप्त किया, जैसे कि गदा कुबेर जी को, वरुण फांस वरुण देव को, शूल रूपी वायु अस्त्र वायु देव को, बाण रूपी अग्नि अस्त्र अग्नि देव को प्राप्त हुए और महादेव को त्रिशूल और विष्णु देव को चक्र की प्राप्ति हुई। अद्भुत, अर्थात देवताओं के सभी अस्त्र सूर्य देव के तेज से ही निर्मित है। किंतु फिर माता छाया के साथ क्या हुआ? अपने अतिरिक्त तेज को विलक कर सूर्य देव पुनः देवी संज्ञा के निकट पहुँचे, किंतु वहाँ देवी संज्ञा से भी अधिक आतुरता से देवी छाया उनकी प्रतीक्षा में थी और उनकी आशा थी कि सूर्य देव लौट कर आएंगे और उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। स्वामी मेरे साथ ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शीघ्र आभास होगा उनके प्रति मेरा ही प्रेम सत्य था। मैंने उन्हें उनकी पूर्णता में स्वीकार किया, कभी उनसे उनका तेज कम करने को नहीं कहा, और जब देवी संज्ञा उनसे दूर चली गई, तब मैंने ही उन्हें एक सहभागिनी के सभी सुख दिए। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हूँ मैं। नहीं स्वामी, ये आपने क्यों किया? अपना सुंदर और दिव्य तेज खो दिया? प्रतीत होता है अपने अनूठे दिव्य तेज को खोकर तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है, मेरे प्रति उनका प्रेम उन्हें वापस ले आया है, भले ही मैं सत्य नहीं, किंतु सत्य मैं भी आपसे अत्यधिक ही उनसे सर्वाधिक प्रेम करती हूँ स्वामी। स्वामी ने तो मुझे देखा तक नहीं, वो मेरी और नहीं देवी संज्ञा की ओर जा रहे हैं। सूर्य देव ने देवी छाया से आगे बढ़कर देवी संज्ञा के साथ अश्वरूप धारण किया और उन दोनों के दिव्य संयोग को साक्षी बनने पर विवश हो गई। अश्व रूप में उनके दिव्य संयोग से
दो जुड़वा भ्राताओं अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी और जिन्हें भविष्य में देव चिकित्सक होने की उपाधि भी प्राप्त हुई और 33 कोटि सर्वोच्च देवताओं के भाग भी बने। कुछ देर के लिए तो देवी छाया वहीं स्तब्ध रह गई थी, किंतु जब वो तंदरा से जागृत हुई और उन्होंने सूर्य देव और देवी संज्ञा को रोकने का प्रयास किया तब बहुत विलंब हो चुका था। स्वामी, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, इस प्रश्न का उत्तर तो देते जाते। क्या मेरे सत्य में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं मात्र एक तुच्छ वस्तु हूँ जिसके उपयोग के उपरांत उसे अपनी दृष्टि से दूर कर दिया गया? तेज का क्या लाभ जो किसी के प्रेम की सत्यता को समझ ना सके? सूर्य देव और माता संज्ञा दोनों माता छाया को भूल कैसे गए? क्योंकि माता छाया ने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन करते हुए वर्षों सूर्य देव की सेवा की, उनकी संतानों का ध्यान रखा, किंतु फिर भी उन दोनों को माता छाया का स्मरण तक ना रहा। देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रति छाया थी, किंतु ये किसे ज्ञात रहता है कि उसकी छाया उसके पीछे चल भी रही है या नहीं? तो फिर क्या माता छाया ने भी सूर्य देव और माता संज्ञा को स्वयं को भूलने दिया? क्या वो इतनी असहाय हो गई कि वो उनसे अपना अधिकार मांगने भी नहीं गई? जब जीवन में कोई मार्ग शेष ना रह जाए तब मानव भगवान के द्वार पे ही नतमस्तक होता है और उन्हीं के ही शरणों में जाता है। देवी छाया ने भी अन्न जल का त्याग कर प्रभु महादेव की तपस्या की। गर्भवती होकर भी वो अन्न जल का त्याग कैसे कर सकती थी? अपमान की अग्नि ने उन्हें उनकी ही ममता बुलवा दी, वो स्वयं भूख ही प्यासी रही और उनकी संतान भी। ओम नमः शिवाय। सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ, लंबी जटाएं हैं किए गंगा को धार लिए, डमरु त्रिशूल है हाथ त्रिनेत्र जय भोलेनाथ, सृष्टि के आप ही नाथ जय भोलेनाथ, तन्वे भस्म है मने नाग धरा, रुद्राक्ष हर क्षण है साथ बम्बोल बम भोलेनाथ, सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ, सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ। ये तो अनुचित है, वर्जित है। जी गणेश जी, एक गर्भवती स्त्री को कभी उपवास नहीं करना चाहिए। भार अग्नि के ताप का प्रभाव हो या ना हो, किंतु भीतर भूख की अग्नि तो शिशु को पीड़ा ही देती है। वही हुआ देवी छाया के शिशु के साथ भी। वो अपने तेज का उजलापन खोकर
स्याय पड़ता जा रहा था। गर्भवती स्त्री का प्रथम धर्म है अपने शिशु की देखरेख, और उस समय तो एक माँ के सुख दुख से भी बढ़कर उसके गर्भ में पल रहे उसके शिशु का सुख है, अन्यथा उसका शिशु अवश्य प्रभावित होता है। आप उचित कहते हैं गणेश जी, किंतु उस समय देवी छाया निराशा के अनंत पीड़ा से जूझ रही थी। अपनी सूझबूझ खो चुकी थी वो, और उन्हें तो बस प्रभु शिव शंकर शंभू की तपस्या से ही आस थी। लंकेश जी जल। इन लंकेश को इतने समय से जल दे रहा हूं, किंतु इन पर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। शीघ्र लघु शंका का अनुभव हो लंकेश को, और फिर उसे मिटाने के लिए लंकेश पिताश्री की आत्मलिंग को यहीं भारत भूमि में ही कहीं रखने पर विवश हो जाएं, और प्रभु लंका पहुंचने के स्थान पर यहीं स्थापित हो जाएं, तभी सफल होऊंगा मैं। किंतु प्रतीत होता है कदाचित मुझे इसका कोई अन्य उपाय भी सोचना होगा। अब क्या विचार कर रहे हैं शिवनंदन? यही ना कि आगे क्या हुआ? हाँ लंकेश जी, अनेकों माह देवी छाया तप करती रही, और उनकी तप की अग्नि में वृद्धि भी होने लगी, और वो इतनी ऊंची उठ गईं कि वो कैलाश की ऊंचाई तक जा पहुंची। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। पुत्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में इतनी घोर तपस्या नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं लाचार थी, असहनीय अपमान से पीड़ित थी, और फिर आपकी भक्ति के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई मार्ग शेष ही नहीं था। तो मुझे बताओ पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? कहो पुत्री, क्या वरदान दूं तुम्हें? क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। तुमने तप किया है पुत्री, जिसका फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और तुम शीघ्र ही मातृत्व का पूर्ण अनुभव करोगी, क्योंकि एक माता के लिए संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, और वही तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएगा। जन्म के पूर्व ही शनि देव को तेजस्वी होने का वरदान दे दिया प्रभु ने। ऐसे दया निधान है पिताश्री भोलेनाथ, शिव शंकर शंभू महादेव।
उनको हमारा कोटि कोटि नमन। महादेव, हम आपकी अनंत अपार महिमा की करबद्ध होकर वंदना करते हैं। महादेव, आपकी महानता के समक्ष हम नतमस्तक हैं। महादेव शिव शंकर शंभू की जय। महादेव शिव शंकर शंभू की जय। जय महादेव शिव शंकर शंभू की। जय महादेव शिव शंकर शंभू की। यही तो मैं चाहता था लंकेश, कि आप प्रभु महादेव की जय जयकार करने की धुन में पिताश्री के आत्मलिंग को यहीं रख दें और ये यहीं स्थापित हो जाए। ये मैं क्या करने जा रहा था? कहीं गणेश जी मुझसे यही कराने के इच्छुक तो नहीं है? दशानन लंकेश जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? तनिक सचेत रहिए। इतने समय से इतना कष्ट सहकर आपने प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त किया, जिन्हें छोटी सी भूल से खो देते आप। लीजिए ये जल ग्रहण कीजिए और अब भविष्य में सर्वथा सावधान रहिए। लीजिए लीजिए जल ग्रहण कीजिए। बहुत ही सतर्क और सावधान है रावण, सरल नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार से छल लेना। अब शीघ्र मुझे बताइए लंकेश जी, कि शनि देव का जन्म कब और कहां हुआ? वहीं महादेव शिव शंकर शंभू के वहां से प्रस्थान होते ही देवी छाया को प्रसाद पीड़ा हुई। शनि देव के जन्म से पूर्व ही उन पर जीवन का संकट उत्पन्न हो गया और ऐसे समय में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कोई साथ था तो मात्र उनका शिशु जो स्वयं उनके गर्भ में था। काक कहीं मेरी संतान को कष्ट पहुंचाने के लिए तो एकत्र नहीं हो रहे? मुझे इस जलाशय में आश्रय लेना चाहिए। Oh,
जल निमग्न होने से अपनी माता की रक्षा कर। शनि देव ने तो जन्म लेते ही अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। ये तो उनका प्रथम दायित्व था, किंतु उनके माँ के प्रति उनका वास्तविक कर्तव्य अभी शेष था। माता, अब आपके इस रुदन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब आपका ये पुत्र शनि इस संसार में प्रकट हो चुका है। पुत्र? मेरा पुत्र? हाँ माता, मैं आपका पुत्र। अब आपके सारे दर्द और कष्ट दूर कर दूंगा। आपकी पीड़ा का आभास तो मुझे तब से है माता, जब से मैं आपकी गर्भ में था। मैंने तभी से आपके प्रत्येक कष्ट का अनुभव किया है। उन सभी पीड़ाओं का, उन कष्टों का निदान करने का अब समय आ गया है माता। आपने तो मेरे पिता सूर्यदेव की अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह किया, इसीलिए अब आपको आपका उचित अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो मैं आपको अवश्य दिलवाऊंगा माँ। फिर भले ही ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पिता से युद्ध क्यों ना करना पड़े। अंधकारी छाया का प्रभाव छा रहा है। आइए माता, अब सबको आपके त्याग, आपकी ममता को बताने का समय आ चुका है। आपके सुकर्म, ममता, करुणा, सेवा के फल स्वरूप आपके उचित अधिकार प्राप्त करने का अब समय आ गया है। कितना अद्भुत रहा होगा ना, कि जन्म लेते ही एक अल्पायु बालक होने पर भी कर्मों के आधार पर वो अपनी माता को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हो गए थे। अर्थात शनि देव तो जन्म से ही कर्म प्रधान थे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए दशानन। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ पुत्र ने अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने में तो लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी होगी। हाँ शिवनंदन, इधर बालक शनि ने उसी प्रयोजन से सूर्य लोक के लिए प्रस्थान किया। आइए माता, किंतु उधर सूर्य देव किसी भी भावी संकट से अनभिज्ञ सर्वथा निश्चिंत थे। स्वामी अत्यंत प्रसन्न चित्त है आज, किंतु मुझे किसी अनिष्ट का आभास क्यों हो रहा है, जैसे कोई छाया उन पर छाने वाली है। किंतु देवी संज्ञा को अनेक अशुभ संकेतों का आभास हो रहा था।
सूर्यदेव अपने पुत्र यम के अष्ट दिक्पाल पद पर स्थापित करने एवं यमलोक के स्वामी बनने के कारण अति आनंदित थे। उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें देवराज इंद्र और बाकी सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे। क्या हुआ प्रिय? इस महाउत्सव के अवसर पर आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं स्वामी। किसी अनिष्ट, किसी विपदा के आगमन का आभास हो रहा है। व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी। अग्निदेव हैं यहाँ, जिनका अग्नि अस्त्र बड़ी से बड़ी विपदा को भी जलाकर राख कर सकता है। वायुदेव हैं, जो बवंडर का रूप धारण कर बड़ी से बड़ी विपदा को भी उड़ाकर दूर करने में सक्षम है। वरुण देव, जो अपने जल में समाहित कर किसी भी विपदा को भस्म कर सकते हैं। और स्वयं इंद्रदेव भी तो हैं, जिनके वज्र के समक्ष कोई भी विपदा टिक नहीं सकती। और मैं भी तो हूं, मैं अपने प्रचंड तेज से किसी भी विपदा को मिटाने में सामर्थ्य हूं। इसीलिए आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। आज हमारे पुत्र के इस अत्यंत विशेष दिवस पर किसी प्रकार का अनिष्ट होना संभव नहीं। ये जो आपके अशुभ संकेत हैं, ये सत्य नहीं है, मात्र भ्रम है आपका। आज तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम पूर्ण आनंद का आभास करें और अपने सुयोग पुत्र अति शक्तिशाली यम को बधाई और आशीष दें। किसी को इतना दुखी और संतप्त नहीं करना चाहिए कि उसका दुख बाद में किसी के विनाश का कारण ही बन जाए।